Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So today we are going to study about homophones. So let's start the chapter. Homophones are the words that sound the same, but they have different spellings and different meanings. Homophones वो word होते हैं जो sound करने पे एक जैसे निकलते हैं मुँह से, लेकिन उनका spelling जो होती है, उनके meaning जो होते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं. जैसे example के तौर पर The color of the ball was blue. The referee blew the whistle. अब यहाँ पे color जो ball का बताया गया है वो blue बताया गया है, ठीक है. अब blue color color होता है, नीला color उसका मतलब होता है. अब यहाँ पे बताया गया है जो referee है blew the whistle. उसने referee ने whistle बजाया, तो यहाँ पे blue का मतलब है बजाना, फूकना, ठीक है. तो यहाँ पे दो word हैं, उनको अगर आप बोलोगे, प्रोनाउंस करोगे तो दोनों सेम ही निकलेंगे, लेकिन इनकी स्पेलिंग और इनका मीनिंग अलग है. देयर इज़ वन बॉय इन दैट रूम, वी वन द मैच. अब यहाँ पे वन मतलब ओ एनी वन, आपको पता चल रहा है कि वन क्या है, एक, एक बॉय है कहाँ पे, रूम में. और यहाँ पे वन का मतलब जीता, मैच जीता, वी वन द मैच. तो यहाँ पे वन का जो मीनिंग है और उसका जो स्पेलिंग है वो अलग है दूसरे वाले वन से, डब्ल्यू ओ एन वाले वन से, और इनका मीनिंग भी अलग है. आई सॉ अ बी बजिंग अराउंड, बी देयर एट 5 o'clock. अब यहाँ पे बी मधुमक्खी के लिए कहा गया है, और यहाँ पे बी मतलब होना, आप 5 बजे वहाँ पे आ जाना. तो आई होप आपको होमोफोन्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.